मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुसार रतलाम में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं में जिले के लगभग 10,000 हितग्राहियों को 131 करोड़ रुपए से अधिक राशि का लाभ वितरित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पीएम स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, टंटिया मामा योजना, बिरसा मुंडा योजना, भीमराव अंबेडकर योजना, संत रविदास योजना, आचार्य विद्यासागर योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में हितग्राहियों को लाभ वितरित किए गए। पीएम स्वनिधि में 10,000, 20,000 तथा 50,000 ऋण के लाभ लगभग 1900 हितग्राहियों को प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक डॉ. राजेंद्र पांडे ने अपने उद्बोधन में कहा कि हितग्राही मूलक योजनाएं लाखों परिवारों को रोजगार देने का कार्य कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का कार्य कर रहे हैं। पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम आजीविका से जुड़े, हमारे पास शुरू हमने हमारा थोड़ा हमारा CCL हुआ, उसके द्वारा हमने थोड़ा सा सूक्ष्म उद्योग चालू करा। उसके बाद फिर हमारे सेमलिया ग्राम में सिलाई सेंटर का हमने जिला हमारे जो आजीविका द्वारा हमारा सिलाई सेंटर चालू हुआ। अब हम खुद आत्मनिर्भर है और हम गणवेश का काम कर रहे हैं। कितनी महिलाएं जुड़ी आपके समूह से? हमारे समूह से सर 7 समूह है हमारे, 12-12 महिलाएं सभी समूह में, और अभी सेंटर पर 32 से 40 महिलाएँ काम कर रही हैं। मैंने यहाँ पे अपना उद्योग सॉफ्टवेयर्स का चालू किया है, उसके लिए मुझे SBI स्टेट बैंक और DIC में गया था, तो कुछ योजनाओं के बारे में पता चला, तो वहाँ से मैंने 10 लाख रुपए का स्टेट बैंक का सैंक्शन लिया है फॉर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस कंपनी के लिए। किस प्रकार के लोन से आपको लोन जो मिला है इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? मेरी जर्नी ऐसी है कि मैं खुद एक एम्प्लॉय था कंपनी में, और अब मैं इतना इंडिपेंडेंट हो गया हूँ कि मैं अपने रोजगार अपने प्रदेश में आके लोगों को दे पा रहा हूँ। कार्यक्रम में जावरा विधायक डॉ. राजेंद्र पांडे, राजेंद्र सिंह लुनेरा, जिला पंचायत अध्यक्ष लालाबाई शंभू लाल चंद्रवंशी, कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी सहित स्व सहायता समूह की महिलाएं तथा अन्य योजनाओं के हितग्राही उपस्थित थे। रतलाम से तौफीक पठान की रिपोर्ट।